जब दादा ने बोला कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसमें यू नो वो बैलेंस होनी चाहिए कि बॉम्बे के एक्टर्स भी आएंगे और असम के एक्टर्स भी रहेंगे, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, कि ऐसा ना लगे कि ये लोग बाहर से हों, लोग असम के एक्टर्स हैं और ये सारे बहुत मंजे हुए एक्टर्स हैं इनके साथ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ और थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन सबको मैंने परफॉर्म करते हुए फिल्म्स में थिएटर्स में देखे हैं पहले। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कैरेक्टर्स दिखाई दिए और सब ने मैंने बहुत कम एक्टर्स को अप्रोच किया था सारे, तो सब मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने एक्सेप्ट किया जो भी रोल्स, एंड बहुत अच्छी तरीके से सब ने निभाया है। तो थैंक यू ऑल माय कास्ट, एंड अगर क्योंकि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फिल्म में कर रहा हूँ, मेरे लिए इस फिल्म में जुड़ने का सबसे बड़ी मकसद ये था कि बचपन में जो ये घटनाएं मैंने अपने आँखों के सामने मैंने देखा है और इसको सिनेमा के ज़रिए असम के बाहर और पूरी दुनिया में ये कहानी बताने का जो एक अंदर एक था, तो ये जब निरंजन नारे बोला कि इस सब्जेक्ट पे, इस ट्रू इवेंट पे मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और पूरे इंडिया में ये रिलीज़ हो रही है, तो आई होप जो रेस्ट ऑफ इंडिया रिलेट कर पाएगी और महसूस कर पाएगी क्या क्या गुजरा था उस समय असम के लोगों में। और जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी वायलेंस जो होता है ना वो सेंसलेस होता है आखिर में, और इन घटनाओं को इसलिए हमें याद रखना चाहिए, इन घटनाओं के बारे में हमें ये कहानियां हमें इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि ये कहने का कारण ये है कि ये समझना कि ये दोबारा ना हो। और अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो यही उसका भी एक वैसा ही, जैसे इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट फैमिली के साथ जो हुआ है घटना, इसके साथ भी वही हुआ है, इसके फैमिली के साथ भी वही हुआ है, तो वो उसी दौर से ये कैरेक्टर गुजरा है। फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। इट्स ओके ना इफ आई डू इन हिंदी, राइट? या सो असम की एक घटना है जो असम को छोड़ के शायद बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जिसे मीडिया सीक्रेट किलिंग नाम से जानते हैं, सीक्रेट किलिंग कहते हैं उसको, जब कुछ अननोन असाइलेंस रात में घरों में घुस के निरत्ते लोगों को मार देते थे। उसके बाद में बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन थे, क्यों मारते थे, और जिनको भी मारा जाता था उनका एक कनेक्शन होता था एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और क्योंकि उनका एक कनेक्शन है तो फैमिली को ही वाइप आउट कर दिया जाता था। तो ये फिल्म उसी डार्क चैप्टर को दर्शाता है जहाँ पे मेरा जो मेन किरदार है एक यंग बॉय विथ लॉट ऑफ होप्स एंड ड्रीम, जो बाहर पढ़ाई करता है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है, एक हैज़ अ ड्रीम, जिसका नाम निर्भय है, जो अनुराग सिन्हा प्ले कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के दौरान उसका पूरा जीवन, पूरा ड्रीम, एवरीथिंग चेंजेस। थिंग व्हिच हैपेंड इन असम टू द पीपल एट द बिहेस्ट ऑफ इम्पॉलिटिक मोटिव्स ऑफ सम पीपल, राइट? Shadow Assassins is a story which is of pain, which is still embedded in the hearts of the people, and the very fact that it is seeing light and coming out, that it is only going to bring in a lot of peace in their hearts. So for me, it would be like a last, one last appeal on behalf of those families and those who have lost their lives. I think it's a very meaningful film of our times. It is going to appeal to your heart and only engender hope and aspirations in your life. कि वायलेंस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो एक्टिवली उसका पार्ट नहीं है। तो शेडो असेसेंस की जो कहानी है उसमें जो दिल को छूने वाली बात है वो यही है कि वो फैमिलीज अफेक्टेड हो गई जो डायरेक्टली इससे कोई लेना देना है ही नहीं, एंड दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। मतलब हम अपनी
देश की या दुनिया की सिस्टम देखें तो जो डिसीजंस मेकर हैं उनसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कॉमन लोग हैं वो होते हैं। तो वो बात मेरे दिल में बैठी। दूसरी बात कि इस ये फिल्म आसाम के बारे में है लेकिन एसमीज में नहीं, इट्स इन हिंदी, सो इट्स अ लोकल फिल्म टेलिंग अ ग्लोबल स्टोरी विच मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। थर्डली आई एम प्लेइंग अनुराग्स एल्डर ब्रदर। तो हैप्पी इतना खुश मैं जितना भी अब तक ये काम किया हूँ, हालांकि मेरा अनुभव भी बहुत कम है, इतना कम नहीं किया हूँ मैं, बट पहली बार ऐसा मुझे लगा कि मैं कूल, इतना शांत और इतना अच्छे तरह से काम कर पाया आसाम में जाकर। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ चिन्मॉय का। चिन्मॉय करने से पहले एक बड़े महान कलाकार थे हमारे बीच, ब्रह्मा मिश्रा साहब, जो कि इस कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो, और शूटिंग से कुछ दिन पहले उनके निधन हो गया। तो हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिवार को इस की घड़ी में शक्ति प्रदान करे ईश्वर। बस मेरा किरदार है अनुराग की मम्मी का, जो मेरी फैमिली का बेटा, बड़ा बेटा वो है, छोटा बेटा ये है। ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है क्योंकि वो दूर पढ़ता है, पुणे में पढ़ता है, आसाम से दूर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये। और ये जब सीन्स होता है कि ये आता है घर पे, फिर मैं उसके लिए स्वेटर बुनती हूँ, खाना बना, उसकी फेवरेट फूड बनाती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसके साथ। जब इसको जब लेके जाते हैं पुलिस, जो भी सीन्स होता है, तो जो ये इमोशंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर है। बहुत लंबा रोल नहीं है, बहुत छोटा रोल है, सीन्स भी कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जिंदा को थैंक यू, और मनोज को, पूरी टीम को, कि हम सब लोग इस फिल्म का हिस्सा बन पाए। देखिए, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई ऐसी ज़िम्मेदार फिल्म कही जा रही हो तो उसमें भी अगर उसको शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि हम सब के सामने जितने हम एक्टर्स हैं, कमर्शियल फिल्म्स ऐसी आती हैं जो कि चाहे वेब सीरीज़ हो या कुछ भी काम हो, तो जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब कोई एक ऐसी ज़िम्मेदार फिल्म बनाने की कोशिश करे तो हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि हम सब जुड़ें और अपना बेस्ट उसको दे सकें। तो जब ये स्क्रिप्ट मनोज ने भेजी थी तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था कि एक ऐसा सिनेमा बनने जा रहा है जिसका मुझे हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत ही इमीडिएट चीज़ें हुई दोनों तरफ से, और ये फिल्म मेरे खाते में आई। अभी आसाम का स्थिति बहुत ही बेहतर है, और आसाम का सरकार अभी, इवन जो हेमंत बिस्व शर्मा को भी इस घटना के बारे में पता है, उन्हें भी इस घटना के बारे में उन्होंने बहुत बार बोल जिक्र कर चुके हैं।